तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। सत्ता की अकड़, आम जनता की बेबसी, झूठी उम्मीदें और कड़वी हकीकत, इन सब के बीच सच की थरथराती लौ, देश का फसाना इस वक्त फकत इतना ही है। महीने पर महीने बीत रहे हैं लेकिन सूरत हाल नहीं बदल रहा। वहीं गरीबी, बेकारी, भुखमरी और लाचारी चारों तरफ है, जो बीते कई महीनों से आंकड़ों की शक्ल में डराते जा रही हैं। सरकार भी उसी अंदाज में अपने फैसलों को सही ठहरा रही है जैसे मार्च से सही बताते हुए आ रही है। जनता किस हाल में जी रही है, कैसे बिना नौकरी के बढ़ती महंगाई में गुजारा कर रही है, कैसे भविष्य को लेकर घबरा रही है, इन सब बातों से उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतनी आत्म केंद्रित और आत्ममुग्ध सरकार जब खुद को जनहितैषी कहती है तो ये सदी का सबसे बड़ा झूठ नजर आता है। इधर सच और झूठ, या कह लें कि गलत या सही को लेकर के मान अपमान की एक लड़ाई अदालत में भी चल रही है, जिस पर सारे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस मामले में जो भी फैसला आएगा वो भारत की न्याय व्यवस्था में एक जबरदस्त मोड़ लाएगा। वैसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो ये बताता है कि कैसे अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए सत्ता और उसका पिट्ठू मीडिया कमजोरों को बलि का बकरा बनाया है। तो आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे सरकार के तरक्की के झूठे वादों और निजीकरण के खेल की, देश में निराश होते युवाओं की और न्यायिक दुनिया में उठी नई लहर की। तो सबसे पहले बात करते हैं अदालत के सामने खड़े हुए प्रशांत भूषण की। आइए समझते हैं कि आखिर क्या है मामला और क्या कहना है कानून के जानकारों का। देश के जाने माने वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण इस वक्त अदालत की अवमानना के दोषी ठहराए जा चुके हैं और अदालत ने उन्हें 24 अगस्त तक माफी मांगने का वक्त दिया है। इसके बाद उन्हें सजा सुनाई जाएगी। हालांकि प्रशांत भूषण ने कहा कि उनका बयान पर्याप्त सोच समझ के बाद दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बयान पर पुनर्विचार नहीं करना है, इसीलिए मुझे विचार करने के लिए समय देने का कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मेरे ट्वीट कुछ भी नहीं थे, बल्कि हमारे गणतंत्र के इतिहास के मोड़ पर, जिसे मैं अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानता हूं, उसे निभाने का एक छोटा सा प्रयास थे। मैंने बिना सोचे समझे ट्वीट नहीं किया था। ये मेरी ओर से निष्ठा रहित और अवमाननापूर्ण होगा कि मैं उन ट्वीट्स के लिए माफी की पेशकश करूं जिन्होंने उन्हें व्यक्त किया, जिन्हें मैं अपने वास्तविक विचार मानता रहा हूं और जो अब भी हैं। इसीलिए मैं केवल विनम्रतापूर्ण वही कह सकता हूं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने ट्रायल में कहा था। मैं दया नहीं मांगता, मैं उदारता की अपील नहीं करता, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। इसीलिए किसी भी दंड जो कि न्यायालय ने अपराध के लिए निर्धारित किया है, के लिए मुझे कानूनी रूप से दंडित किया जा सकता है और जो मुझे प्रतीत होता है कि वो एक नागरिक का सर्वोच्च कर्तव्य है। प्रशांत भूषण के माफीनामे के इस इनकार ने बहुतों को प्रभावित किया और उनकी तुलना महात्मा गांधी से लेकर नेल्सन मंडेला तक से होने लगी, लेकिन इसे प्रशांत भूषण ने गलत बताया। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे ट्वीट्स के लिए माफी मांगने से इनकार करने और गांधी का हवाला देने से कुछ लोगों ने गांधी और मंडेला के साथ मेरी तुलना करना शुरू कर दी है। ये गलत है, वे लंबे संघर्ष और बलिदान के कारण महान बन गए। मैंने इनकी तुलना में कुछ नहीं किया, मेरी हिम्मत अनगिनत लोगों के समर्थन के कारण है। तो माननीय अदालत 24 अगस्त को प्रशांत भूषण को अगर सजा सुनाती है तो वो कितनी सख्त होगी, या अदालत उन्हें चेतावनी देकर छोड़ देगी, ये तो तभी पता चलेगा। लेकिन इस वक्त वाकई प्रशांत भूषण को संभावित सजा के विरोध में आवाज उठने लगी है। देश भर से उन्हें अपनी बात पर डटे रहने के लिए तारीफ मिल रही है। वहीं उनके पक्ष में सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लोग अपनी बात रख रहे हैं। देश के वरिष्ठ वकीलों सहित कम से कम 1500 से अधिक वकीलों ने सर्वोच्च अदालत से न्याय के हनन को रोकने के लिए सुधारात्मक उठाने का आग्रह किया है। वहीं मौजूदा अटॉर्नी जनरल से लेकर के पूर्व अटॉर्नी जनरल तक ने प्रशांत भूषण के पक्ष में अपने तर्क दिए हैं, लेकिन इस समर्थन के पीछे कोई राजनीतिक मायने भी हैं? आइए समझते हैं। पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने प्रशांत भूषण का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि उन्हें सजा न दी जाए बल्कि अपनी आलोचना स्वीकार की जाए। सोराबजी ने कहा कि न्यायिक भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें सबूत पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने प्रशांत भूषण के पक्ष में ट्वीट किया कि अवमानना की शक्ति यानी अदालतों द्वारा का इस्तेमाल लोहार के हथौड़े के तौर पर किया जा सकता है।
मौजूदा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने भी सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत भूषण को सजा न देने की अपील की थी। वेणुगोपाल ने कहा था कि प्रशांत भूषण को पहले ही दोषी करार दिया गया है, इसीलिए उन्हें सजा न दी जाए। सोली सोराबजी तो भाजपा के कई फैसलों की आलोचना कर चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार की कई मुद्दों पर खिंचाई करने वाले प्रशांत भूषण के पक्ष में मौजूदा अटॉर्नी जनरल क्यों खड़े हुए हैं? रफाइल खरीदी से लेकर भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के कई मामलों में प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, फिर क्यों सरकार उन पर नरमी दिखा रही है? क्या सरकार को इसमें कोई चिंगारी दबी हुई दिख रही है जो प्रशांत भूषण की सजा मुकम्मल होते ही भड़क सकती है? क्या सरकार समझ रही है कि देश की जनता इस वक्त कई परेशानियों से गुजर रही है और उसके भीतर गुस्सा दबा हुआ है जो प्रशांत भूषण को सजा होने पर भड़क सकता है? तो मोदी सरकार बिना किसी फायदे के न किसी को सिर पर चढ़ाएगी और न ही किसी को सजा से बचाने की कोशिश करेगी। अपने धुर विरोधी प्रशांत भूषण के लिए नरमी दिखाने के पीछे भी उसे कोई सियासी फायदा नजर आ रहा होगा। अब देखना यह है कि 24 अगस्त के बाद यानी 25 अगस्त को सर्वोच्च अदालत प्रशांत भूषण पर क्या रुख अपनाती है। वैसे शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो आज सत्ता और मीडिया की मिलीभगत की कड़वी हकीकत को उजागर करता है, उसके छल कपट की पोल खोल करके रख देता है। कैसे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने के मौके इस देश में अब तक ढूंढे जाते रहे हैं, उसकी सच्चाई बयां करता है। मार्च के आखिरी सप्ताह का वो दौर याद कीजिए जब देश में कोरोना का डर तेजी से फैल रहा था और इस बीच खबर आई कि दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में देश विदेश से आए मुसलमानों के कारण कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसके बाद तो सरकार और मीडिया दोनों ने कोरोना का जैसा संप्रदायीकरण किया वो अपने आप में एक मिसाल है। देश के कई हिस्सों में तबलीगी जमात के लोगों की धरपकड़ शुरू हो गई। उस वक्त रोजाना हेडलाइंस इसी तरह की होती थी कि आज जमात के इतने सदस्य पॉजिटिव निकले और उनके संपर्क में आए इतने लोग भी बीमार हो गए। इसके बाद सांप्रदायिकता का खून चख चुके मीडिया ने इसे आदमखोर शेर की तरह लपक लिया। कई दिनों से किसी मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम डिबेट न कर पाने की उसकी निराशा जोश में बदल गई। हर रोज चैनलों पर तबलीगी जमात का कोरोना कनेक्शन और उसका धार्मिक एंगल तय किया जाने लगा। प्रिंट मीडिया भी इसमें पीछे नहीं रहा। क्वारंटीन सेंटर में किस तरह तबलीगी जमात के लोग कहीं मांसाहारी खाना मांग रहे हैं तो कहीं खुले में शौच कर रहे हैं, ऐसी झूठी खबरें छपने लगीं और सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी भी अपने आकाओं का हुक्म बजाने में कहीं पीछे नहीं रही। फैक्ट चेक करने वाली एक वेबसाइट फैक्टली के संस्थापक राकेश डुगबुडू ने तब बताया था कि मार्च महीने के मध्य से देश में सोशल मीडिया में कोविड 19 के बारे में तूफान की तरह फेक न्यूज में बढ़ोतरी हुई है। डुबुडू ने कहा था कि अभी हाल तक कोविड 19 से संबंधित अधिकांश फर्जी खबरों का स्वर धार्मिक नहीं था, लेकिन 30 मार्च से सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिक फर्जी खबरों में अचानक से तूफान की तरह वृद्धि हुई है, मानो कोई पहले से ही तैयारी करके बैठा हो। खैर, जब से निजामुद्दीन की घटना पब्लिक डोमेन में आई तब से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाली फर्जी खबरों की बाढ़ आ गई है। एक महामारी के सांप्रदायिकरण का नतीजा ये हुआ कि देश भर में पहले से डरे सहमे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जीवन और दुश्वार हो गया। कहीं उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ तो कहीं आर्थिक बहिष्कार। उनके रोजगार पर चोट करने की आपराधिक साजिश रची गई। उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़नाएं दी गईं। सरकार की नाक के नीचे ये सब होता रहा और सरकार भी कोरोना का प्रसार रोकने में अपनी गलती देखने की जगह तबलीगी जमात का तमाशा बनते देखती रही। लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात मामले में देश और विदेश के जमातियों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। कोर्ट ने साथ ही मीडिया को फटकार लगाते हुए कहा कि इन लोगों को ही संक्रमण का जिम्मेदार बताने का प्रोपेगेंडा चलाया गया, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जिसमें भारत में फैले संक्रमण का जिम्मेदार इन विदेशी लोगों को ही बताने की कोशिश की गई। घाना, तंजानिया, बेनिन और इंडोनेशिया जैसे देशों के आरोपी नागरिकों द्वारा दायर 3 अलग अलग याचिकाओं की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि तबलीगी जमात के खिलाफ दुष्प्रचार अवांछित था। जमात 50 साल से गतिविधि चला रही है। भारत में कोविड 19 के संक्रमण के हालात और ताजा आंकड़े बताते हैं कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। तो बॉम्बे हाईकोर्ट की इस टिप्पणी ने समाज को मौजूदा सरकार और आज के मीडिया का असली चेहरा दिखा दिया है। ये बता दिया है कि कैसे अपने फायदे के लिए सत्ता ने मीडिया के जरिए देश को गुमराह करने की कोशिश की और कैसे मीडिया ने जन जागरण के अपने कर्तव्य को किनारे करके सत्ता के इशारों पर नाचना कबूल कर लिया।
चिल्ला चिल्ला करके देश से जवाब मांगने वाले एंकरों का मानसिक दिवालियापन इस टिप्पणी ने उजागर कर दिया है। कम से कम अब समाज को यह समझ जाना चाहिए कि देश के नंबर वन चैनल होने का दावा करने वाले न्यूज चैनलों में दिखाई जाने वाली हर तस्वीर सच नहीं होती, उनकी कही हर बात पत्थर की लकीर नहीं होती। केवल चिल्लाने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता और केवल सवाल पूछने से कोई देशद्रोही नहीं हो जाता। हिंदुस्तान के नाम पर रोजाना हिंदू मुस्लिम का तमाशा खड़ा करने वाले ये एंकर अगर वाकई सच का साथ दे रहे होते तो कभी कोई सवाल सरकार से भी कर लेते, हर वक्त उसके प्रवक्ता की तरह बात नहीं कर रहे होते। जितनी दिलेरी वो अपने स्टूडियो में कैमरे के सामने दिखाते हैं, अगर सच में बहादुर होते तो सरकार से पूछते कि एक महामारी की आहट सुनने के बाद भी उसने एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए, क्यों देश की अर्थव्यवस्था को नहीं संभाला और अब सब कुछ बेचकर किसका भला करने निकली है सरकार, क्यों अपनी हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना चाहती है सरकार। मोदी जी 2014 में सत्ता में आने से पहले जनता से कहते थे कि आपने उन्हें 60 साल दिए, हमें 60 महीने दीजिए। सत्ता के 60 महीने यानी 5 साल में वो भारत को दुनिया के नक्शे के शीर्ष पर पहुंचाना चाहते थे। जब वो कहते थे कि 60 साल में पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया तो उनका मतलब कांग्रेस और उनमें भी नेहरू गांधी परिवार की सत्ता से होता था। हालांकि 60 सालों में एनडीए समेत दूसरी गैर कांग्रेसी सरकारों का भी शासन रहा। वैसे 60 सालों में देश ने जो तरक्की की उसकी बुनियाद नेहरू जी के समय पड़ी और बाद में शास्त्री जी से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक ने उसे आगे बढ़ाया। इस दौरान देश में कई सार्वजनिक उपक्रम यानी PSU खड़े हुए। बिजली, संचार, खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरह से हम सचमुच आत्मनिर्भर बने। लेकिन नरसिम्हा राव के वक्त बाजार को खोलने का काम शुरू हुआ और जो आर्थिक नीतियां उस वक्त बदली गईं, उसे बाद की सरकारों ने भी जारी रखा। इसका नतीजा ये हुआ कि देश में निजी क्षेत्र के कारोबारियों का दबदबा बढ़ना शुरू हुआ। सत्ता से उनके संबंध पहले भी होते थे लेकिन उसमें एक दूरी और गरिमा बनी हुई थी, लेकिन मोदी सरकार के आते आते ये दूरी एकदम खत्म हो गई, बल्कि प्रधानमंत्री की पीठ पर देश के दिग्गज उद्योगपति का हाथ आ गया। नेहरू जी ने जिन उद्योगों और कारखानों के जरिए भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की थी, मोदी सरकार ने उन सब के निजीकरण का काम शुरू कर दिया। संचार, बिजली, तेल, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर निजी क्षेत्र हावी हो ही गए हैं। अब रेलवे स्टेशन, ट्रेनें, एयरपोर्ट, बैंक, इन सबको भी निजी हाथों में देने की तैयारी सरकार ने कर ली है और इसके पीछे घिसा पिटासा कारण है कि ये सब घाटे में है। लेकिन इन्हें घाटा क्यों हो रहा है, क्यों सरकार इन्हें चला नहीं पा रही है, ये सवाल कोई पूछ नहीं रहा है। मोदी जी ने इस मुसीबत के वक्त में जो 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की उसमें भी आम आदमी का तो कुछ भला नहीं हुआ, लेकिन कॉरपोरेट घरानों की पांचों उंगलियां घी में और सिर कड़ाही में रहे इसका इंतजाम हो गया। इस पैकेज के चौथे चरण की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने औद्योगिक आधारभूत ढांचों का अपग्रेडेशन, कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयरस्पेस मैनेजमेंट, एयरपोर्ट्स, MRO, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों का ऐलान किया था। इस ऐलान से जाहिर हो गया था कि कुछ कारोबारी समूहों को कोयला, खनिज, रक्षा, बिजली वितरण और हवाई अड्डों जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जबकि कुछ उद्योगपति कोयला और खनिज खनन परियोजनाओं को भुनाने में सक्षम होंगे। तो जनता हिंदू मुस्लिम डिबेट में जब उलझी हुई है तब देश में संपत्ति की बंदर बाट चल रही है और इसमें किसे कितना हिस्सा मिल रहा है इसे न्यूज चैनल शायद ही कभी बताएंगे। आखिर उन पर भी मालिकाना हक जो इन कारोबारियों और सत्ताधीशों का हो गया है। मीडिया में आपको जैसा हिंदुस्तान दिखाया जा रहा है दरअसल वैसा नहीं है, तस्वीर उससे बहुत अलग है। हकीकत यह है कि देश के प्राकृतिक संसाधनों से लेकर के सार्वजनिक निगमों तक हर एक चीज पर निजी उद्योग की गिद्ध नजर है। सरकार बड़ी चालाकी से जनता के हिस्से के साधन निजी हाथों को दे रही है और बदले में आपको मिल रहा है बेरोजगारी की तकलीफ और मुआवजे का मलहम। देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से जारी आंकड़े बताते हैं कि 1 अगस्त को बेरोजगारी दर 7.64% थी जो 18 अगस्त को 8.20% दर्ज की गई थी। 16 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह के लिए बेरोजगारी दर 9.10% पर पहुंच गई थी जो इसके पिछले 9 हफ्तों का उच्च स्तर था। आंकड़े ये भी बताते हैं कि जुलाई में अतिरिक्त 50 लाख नौकरियां चली गईं। इतनी नौकरियों का जाना यानी इतने परिवारों का जीवन संकट में पड़ना है। इसी वजह से कहीं आत्महत्याएं हो रही हैं तो कहीं इलाज में परेशानी हो रही है, कहीं भूखों मरने की नौबत आ रही है। लेकिन सरकार बेरोजगारों को मुआवजा का मलहम लगा रही है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया है कि सरकार 3 महीने तक वेतन का 50% के रूप में बेरोजगारी भत्ता दे रही है।
इस योजना का फायदा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो ईएसआई स्कीम के साथ कम से कम 2 सालों से जुड़े हैं और जिनका वेतन 21,000 रुपए प्रति माह था। मुमकिन है कि इस योजना से कुछ लाख लोगों को आंशिक राहत मिल जाएगी, लेकिन उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जिनके रोजगार के साधन छिन गए हैं और नए रोजगार मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो सच और झूठ में अक्सर बारीक सी लकीर होती है, इसीलिए पहचानना कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन मोदी सरकार में तो झूठ का पहाड़ इतना बड़ा बन चुका है कि उसे पहचानने में कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस आंख कान खोलकर सच्चाई सुनने और देखने का जज्बा होना चाहिए। सरकार की भक्ति और देशभक्ति में फर्क जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन सच और झूठ, सही और गलत की पड़ताल करना भी बहुत आसान हो जाएगा। खैर, शायर आबिद अदीब ने ठीक ही फरमाया है कि जिन्हें ये फिक्र नहीं सर रहे न रहे, जिन्हें ये फिक्र नहीं सर रहे न रहे, वो सच ही कहते हैं जब बोलने पे आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।